हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल और यशस्वी न्यूज अपडेट पर। मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से उन प्रतियोगी छात्रों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि एक्सपायर हो गए हैं, अर्थात उनकी एज एक्सपायर हो गई है और वो अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ की परीक्षाओं में फार्म नहीं भर सकते हैं। तो ऐसे भर्तियों जिनकी आयु सीमा समाप्त हो गई है, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि कई प्रतियोगी छात्रों के संगठन मिलके उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी से मुलाकात किए, वहाँ पे अपना लेटर दिए और जिसके माध्यम से उन लोगों के लेटर को स्वीकार किया गया और उस उनकी शिकायत को जन सुनवाई पोर्टल पे पंजीकृत किया गया। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि आवेदनकर्ता का बिरोड लिखा है, शिकायत संख्या है आपका, और आवेदक का नाम, जैसे जो भी प्रतियोगी छात्र थे उसमें कई छात्र रहते हैं लेकिन इसमें से दो तीन नाम देते हैं, इसमें से आप देख सकते हैं ये रवि प्रकाश का नाम लिखा है, अजय चंद्रकांत है और विषय में लिखा है उल्लिखित बिंदुओं के विचार कर कार्रवाई करने के संबंध में। यहाँ पर आप देख सकते हैं विभाग जो है कार्मिक है और कार्मिक श्रेणी है। नियोजित तारीख 21 तारीख है। 21 तारीख मतलब कि 21 तारीख तक सुनवाई हो जाएगी, क्योंकि जन सुनवाई पोर्टल का नियम ही होता है कि 3 महीने के अंदर उसका पूरा डिसीजन हो जाता है। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि शासन स्तर तक मुद्दा पहुँचा हुआ है और ये जो पद है अपर मुख्य सचिव के यहाँ पहुँच चुका है। तो दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं कि जो फीडबैक की स्थिति को आप लोग को दिखा दे रहे हैं कि जो अंतरिम है, अंतरित संदर्भ का प्रकार जो अंतरित है, आवादेश देने वाले जो अधिकारी हैं वो आपके विशेष सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय के जो विशेष सचिव हैं वो विशाख जी हैं। तो इसमें आप इनको देख सकते हैं, विशाख जी का नाम, और जो उनके पास जो लेटर पहुँचा है ऑनलाइन वो 6/4/2011 है और नियत दिनांक देख सकते हैं आप, नियत दिनांक आपका 21/4/2021, यानी 21 अप्रैल तक जैसा भी होगा वो सुनवाई हो जाएगी। और उसके बाद आप देखते हैं अधिकारी को प्रेषित यहाँ अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये जो आज दिखा रहे हैं हमें प्रिंट, ये आज की डेट की है। आज की डेट मतलब है 16 अप्रैल की, आज की ट्रैकिंग स्थिति है कि आज की जो रिपोर्ट है वहाँ तक का कि यहाँ तक ये पहुँचा हुआ है 16 अप्रैल तक का। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अधिकारी को जो प्रेषित है और उसके बाद जो स्थिति है, स्थिति में आप देख सकते हैं स्थिति में कि आज तक 16 अप्रैल की स्थिति जो है वो लिखा है कार्यालय स्तर पर लंबित, अर्थात अभी कार्यालय स्तर पे मुख्यमंत्री कार्यालय के जो सचिव हैं उनके यहाँ पे अभी है, अभी इस पे कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि इसमें डेट दिया गया है नियत दिनांक 21/4/2021, यानी कि 21 तक जैसा भी होगा, जो भी होगा, वो आदेश आ जाएगा कि हाँ क्या होता है क्या नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को बताइएगा, ख़ास करके वो ऐसे दोस्त जिनकी डेट एक्सपायर हो चुकी है, क्योंकि ये सभी प्रतियोगी छात्रों को पता है कि 2018 से सिलेबस चेंज हो गया था, तो उसमें काफ़ी बच्चे परेशानी का सामना करना पड़ा कि भाई उनका जो लास्ट चांस था उनको ख़त्म हो गया। और दूसरी चीज़, आपको पता है कि 2019-20 में कोरोना का कहर जो चालू हो गया, उसके बाद जो एग्ज़ाम हुए समीक्षा अधिकारी 2016 का हुआ, तो मतलब कहीं ना कहीं प्रतियोगी छात्रों को पढ़ने का मौका कम मिला। अब ऐसे में जिनका लास्ट चांस था उनके लिए तो काफ़ी दिक्कत सामना करना पड़ा। तो इन सब को मद्देनजर देखते हुए जो भी प्रतियोगी छात्र थे, रवि प्रकाश, चंद्रकांत और भी सब गुट जो भी छात्रों के थे, सब गए वहाँ पे, ज्ञापन दिया गया है और आप इसको पूरा देख ही सकते हैं कि कार्रवाई कहाँ तक पहुँच रही है। और जैसा भी होगा, हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से आपको पल पल की खबर देते रहेंगे और 21 तारीख को दोबारा फिर हम न्यूज़ देंगे कि क्या हुई, नियत दिनांक पर सुनवाई हो पाई नहीं हो पाई, जैसा भी रहेगा आपको चैनल के माध्यम से आप लोग को हम बता देंगे। बस आपको ये करना है कि आप ये जो जानकारी है, जितने भी एक्सपायर हुआ छात्र हैं उनको आप
बता दीजिए कि हाँ आपका मुद्दा उठा हुआ है और वो आप कार्रवाई चल रही है। तो कहीं कहीं उनके मन में कुछ जिज्ञासाएं जगी रहें, और अगर आपके पक्ष में मामला जाता है तो अति उत्तम है। इस प्रकार से आपको एक बार मौका मिल जाएगा। और कहते हैं कि आदमी को एक बार मौका है बहुत बड़ी बात होती है। आदमी कई ऐसे बच्चे हैं जिनका कि सारे अटेम्प्ट भी जाते हैं, नए सिलेक्शन हो पाए और आखिरी लास्ट अटेम्प्ट में उनका पूरा क्वालिफाई होता है पीटी मेंस इंटरव्यू। तो कहीं ना कहीं अगर ये मौका मिल जाता है तो प्रौद्योगिकी छात्रों के लिए जो इंस्पायर हुए हैं बहुत ही अच्छा मौका है और उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। तो दोस्तों हम इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे। जय हिंद, नमस्कार।